बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। घायल बेटी को देखने गई वृद्ध महिला की रिक्शा पलटने से महिला की हुई मौत। जिला पार्षद ने किया मुआवजा की मांग। खबर कैमूर जिले से है, जहां भभुआ थाना क्षेत्र के जगतपुरा मोड़ के पास छत से गिरकर घायल बेटी को देखने जा रही वृद्ध महिला पर अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार ई रिक्शा पलट गया, जहां ई रिक्शा के नीचे दबने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजनों ने सरकारी मुआवजा की मांग किया है। जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि मृतक महिला भगवानपुर थाना क्षेत्र के मझिया गांव निवासी दुखंती गोंद की 55 वर्षीय पत्नी कुंता देवी बताई जाती है। वहीं सदर अस्पताल में पहुंचा मृतक महिला के नाती अंकित कुमार ने बताया कि भभुआ थाना क्षेत्र के देहरा गांव में इनकी बेटी छत से गिरकर घायल हो गई थी, जिसका इलाज देहरा गांव के ही एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां मृतका मेरी नानी नाना के साथ देहरा गांव में अपनी बेटी को देखने के लिए गए हुए थे, जहां से देखकर बस से बारे गांव में उतर गए और पैदल जाने लगे। तभी पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ई रिक्शा मेरी नानी पर पलट गया, जहां वो दब गई, जिसके बाद चालक और मेरे नाना के द्वारा ई रिक्शा को उठाया गया। तभी ई रिक्शा चालक ई रिक्शा लेकर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कुंता देवी को आनन फानन में इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता किया और कहा कि मृतक बहुत ही गरीब परिवार से है, इसलिए मैं जिला प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं कि मृतक के परिजनों को आपदा के तहत सरकारी मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। ये अभी भभुआ थाना क्षेत्र के बिहरा गांव में घटना घट गया, जो कि बारे सोनहन रोड में पड़ता है। और आपको बता दें कि 58 वर्षीय कुंता देवी, जो कि अपने पति के साथ, पति का नाम है दुखंती गोंड, अपने पति के साथ अपने बेटी को, जो जिनकी बेटी का शादी यहाँ डिहरा गांव में हुआ है, और अपने बेटी को शायद चोट लग गया था, सुबह में छत से गिर गई थी, और उनका इलाज बारे में किसी क्लिनिक में चल रहा था, किसी निजी क्लिनिक में, वहीं देखने के लिए गई हुई थी, और देखने के बाद डिहरा गांव जा रही थी और बगल से ई रिक्शा गुजर रहा था, और ई रिक्शा पलट जाने से इनके पत्नी के ऊपर ही ई रिक्शा पलट गया, जिससे उनकी मौके पर घायल हो गई, और आनंद फानंद उनको सदर अस्पताल भभुआ लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया, और अभी शव का पोस्टमार्टम किया गया भभुआ सदर अस्पताल में। तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। मैं बहुत परिवार बहुत गरीब है, बहुत महागरीब कह सकते हैं, और इस परिवार के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सड़क दुर्घटना में मिलने वाली जो भी राशि हो तत्काल परिवार को मिले, और आसपास के लोग, गांव के ग्रामीण जो भी हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं, और बहुत दुख की घड़ी है। मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भगवानपुर थाना अंतर्गत मझियाव गांव के रहने वाले थे, डिहरा जा रहे थे। आपका शुभ नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भगवान। अस्पताल में क्या मामला हुआ है? रानी का एक्सीडेंट हो गया है, उनको इलाज कराने के लिए बताया था। क्या हुआ? डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है और उनको पोस्टमार्टम कराया है। कैसे घटना हुआ था? सुबह में जा रहे थे डिहरा, अपनी लड़की को देखने के लिए, उनको चोट लग गया था, और पुराने मोड़ के पास उनके पास ई रिक्शा से उसको चोट लग गया, वही मौत हो गई। वहीं उनकी डेथ हो गई। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। कहाँ कराने वाले? डिहरा। इनके क्या लगेंगे आप? ये मेरी नानी है।